देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने भागलपुर जिले के सभी शाखा के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस दौरान बैंक कर्मियों ने इलाहाबाद बैंक के रीजनल कार्यालय के समीप प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बैंक एसोसिएशन के प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की पहल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण की भी घोषणा की है। उसी के खिलाफ आज जिले भर के सभी बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाकर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री की ताजा तरीन घोषणा जो उन्होंने की है कि सार्वजनिक बैंकों का इस वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाएगा, सरकार के इसी प्रस्ताव के खिलाफ आयोजित किया गया है। 1969-1980 इन दो वर्षों में दो चरणों में निजी क्षेत्र के बैंकों का सार्वजनिक उनको बनाया गया था, लेकिन आज सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, यह प्रस्ताव अभी पेश किया है, शायद वह सरकार यह भूल रही है कि जिस लोक कल्याणकारी भाव के साथ निजी क्षेत्रों के बैंकों को सार्वजनिक किया गया था कि आम आदमी तक सस्ती बैंकिंग सेवा पहुंचे, देश के दूरस्थ गांवों में भी बैंकिंग सेवा पहुंचे, यह बुरी तरह से प्रभावित हो। आज जो बैंकिंग सेवा सुलभ और सरल है आम जनता के लिए भी, मैं सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की बात तो नहीं करता, लेकिन जो आम जनता, जो भारत की नींव है, रीढ़ है, उस आम जनता तक जो यह बैंकिंग सेवा निर्बाध पहुंचती थी, उस बैंकिंग सेवा पर असर पड़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सामाजिक उत्थान में, देश के राष्ट्रीय आर्थिक उत्थान में योगदान है। आज किसानों को कृषि ऋण या ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनका जनधन योजना में खाता, उनकी पेंशन योजना, उनका बीमा, ये सारे चीज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के जरिए होते हैं। और सरकार उद्योगपतियों के पास डूबे हुए 10 लाख करोड़ के ऋण की वसूली की जगह जनता को भरमा रही है कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे। यह निजीकरण किसी मर्ज का इलाज नहीं होगा, लेकिन देश को नए नए मर्ज देगा, देता रहेगा, हमेशा देगा, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करेगी। आज के इस धरना में बैंक कर्मियों के अलावा समाज के विभिन्न तबकों के लोग शामिल हैं, व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, मजदूर संगठन से जुड़े लोग हैं, वकील हैं, कुछ बेरोजगार इंजीनियर भी हैं, और रोजगार के अवसर बुरी तरह से प्रभावित होंगे। आज जिस तरह से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में रोजगार के व्यापक अवसर हैं, नौजवान भी प्रभावित होंगे यदि बैंकों का निजीकरण किया जाए। और यह लड़ाई अभी चलती रहेगी, आगे आने वाले दिनों में 15 और 16 तारीख को अखिल भारतीय स्तर पर बैंक बंद रहेंगे। यदि सरकार वापस नहीं लेती है अपने इस प्रस्ताव को, आगे आने वाले दिनों में न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र बल्कि हर वह व्यक्ति जो देश की अर्थव्यवस्था को प्यार करता है, वह इस लड़ाई में जुड़ते जाएगा और स्थिति विकट से विकट होती है। मैं आप परिचय देता हूँ, प्रशांत कुमार मिश्रा।